अगली खबर में बात करते हैं चर्चित फिल्म पठान को लेकर। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की एंट्री हुई है। उन्होंने शाहरुख खान से कहा, जिस फिल्म को तुमने बनाया है उसे अपनी 23-24 साल की बेटी के साथ देख ले तो मान लेंगे कि फिल्म समाज के लिए ठीक है। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अनस अली ने कहा, मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि शाहरुख खान की पठान फिल्म में इस्लाम का गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं लेकिन अब उनमें गुस्सा है। फिल्म में अश्लीलता फैलाई गई है। पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होना है। एक महीने पहले इसका टीजर आया था। हाल ही में इसका पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है। इसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शाहरुख के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए हैं। गाने में दीपिका भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस भी पहनी दिख रही हैं। इस बात को लेकर मूवी का विरोध भी हो रहा है। हमने तो शाहरुख खान को भी कहता हूँ ना, तुम्हारी बेटी हो गई ना 23-24 साल, जरा उसके बैठ के साथ देख लो फिल्म। इसी तरह की कोई फिल्म एक पैगम्बर में बना करके चला लो उसको व्यक्ति आजादी के नाम पर, पूरे दुनिया में खून खराबा हो जाएगा। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।